कल हम पार्शियल डेरिवेटिव्स पे पहुंच चुके थे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। मुझे करेक्ट कर दें अगर इससे हम आगे पीछे कहीं चाहिए, थिंग्स भी हमने कर लिया था। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने स्टार्ट किए थे, मैंने इसके आपको डेफिनेशन यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी थी। अगर आपको डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इधर लिख के भी बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है सलाम, क्या हाल है? खैरियत? ये हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, कैसे आएंगे? उल्टा तो नहीं लगा हुआ है ये, और ऐसे तो नहीं होएगा ये ब्रिज ना। तो ये क्या बाइक पे लेके जाएंगे? बाइक पे ये समझ नहीं आ रही ये, लेकिन ऐसे होगा या ऐसे होगा। जी। एफ ऑफ एक्स वाई अगर हमें कोई भी फंक्शन के माने हमें उसका एक्स नॉट वाई नॉट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले उसमें क्या करना है, एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लें, और सेकेंडली कोई एच इंट्रोड्यूस करवा दें एफ ऑफ एक्स नॉट। अब आप फर्ज करें फाइंड करना चाह रहे हैं एफ एक्स, फाइंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे, बाय डेफिनेशन इसमें आपने क्या कर देना है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट एज इट इज़ रखना है। वाई नॉट क्योंकि आपका कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो अब लिमिट किसकी ले लेनी है, लिमिट आ जाएगी एच अप्रोचेज ज़ीरो। मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आदिल के साथ एम सी क्यू सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर आप लोग सोच रहे थे कि इसमें कैसे होगा। सो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और इसको आप डिवाइड कर देते हैं एच से। सिमिलरली अगर आपने एफ एक्स एफ वाई फाइंड करना है एट एक्स नॉट वाई नॉट, तो इस केस में आप क्या फाइंड करते हैं, आप इस तरह करते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट एज इट इज़ रहेगा, आप वाई नॉट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच, और इसकी आप लिमिट ले लेते हैं एच अप्रोचेज ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाता है एफ वाई ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, बाई डेफिनेशन ऐसे आ जाता है। अब दूसरा मेथड आपको ऑब्वियसली पता है कि डेरिवेटिव ऐसे कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंट रूल जो अप्लाई होते हैं। यही डेफिनेशन यहाँ पे आगे बताई गई है, ये एग्जांपल्स हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा। डेरिवेटिव सिंपल फाइंड करने, डेरिवेटिव के रूल्स यूज़ करते हुए
मैं इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव तो मेरे ख्याल में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आई थिंक सो कल हमने डिस्कस कर लिया था, हाँ कल इसी को लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो ज़ीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस उसने कहा है कि फाइंड करें, ज़ीरो ज़ीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये नोटेशंस कुछ यूज़ की गई हैं डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, नोटेशन जस्ट बताई गई हैं। मिक्स डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट करें पहले आप एक्स की रेस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं, फिर आप वाई के रेस्पेक्ट से, और दूसरी साइड पर वाई के रेस्पेक्ट से, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट से। ये इक्वल कब आते हैं, जब आपका फंक्शन जो है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस हों। अगर कंटिन्यूस हैं तो दोनों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल आता है। लास्ट टाइम आप वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, मैंने यही कंडीशन आप लोगों को वहाँ पे भी बताई थी कि अगर उसके फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो डिफाइंड हो ओपन रीजन के अंदर और कंटिन्यूस भी हो, तो फिर उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो इस टाइप के जो आते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसको उसने नाम भी दिया हुआ क्लेरेट्स थ्योरम। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखें, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, मैं कुछ भी इनमें से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये जो सिंपल डेरिवेटिव के अंदर आपके पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का आपस में लिंक होता है, यहाँ पे भी वही लिंक है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूस हैं, सॉरी ये दूसरा है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव ओवरऑल रीजन के अंदर कंटिन्यूस हैं तो उसके जो डेरिवेटिव है मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट के अंदर। अब देखें इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि जब हम वन वेरिएबल के अंदर होते हैं तो फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होता है, उसकी जो डोमेन है वो रियल लाइन होती है, बट जब हम इसमें आते हैं टू वेरिएबल्स में तो उसकी जो डोमेन होती है एक रीजन होता है, उसको हम रीजन की बात कर रहे होते हैं। फर्ज करें अगर आप एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं ना, सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपकी डोमेन जो है वो एक इंटरवल आ रहा होता है, फर्ज करें यहाँ पे कोई भी इंटरवल इसका आ रहा होगा। बट जब आप वाई जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई कह रहे हैं तो अब आपको ऑब्वियसली पता है कि इस केस में आपके पास एक रीजन आना है, वो कोई सर्कल हो सकता है, वो कोई स्क्वायर हो सकता है, वो कोई रेक्टेंगल हो सकती है, वो कुछ भी इस टाइप का फिगर हो सकती है। ठीक है, मीन्स उसमें आपको बताया गया होगा कि आपने एक्स को कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है, वाई को कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है। जैसे कल हमने देखा कि एक एग्जांपल के अंदर उसकी डोमेन क्या आ रही थी, वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या है, ये एक तो पैराबोला है और पैराबोला के साथ ये क्या है, ये पोर्शन सारा इंक्लूडेड है, जस्ट इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर और इक्वल का साइन है। तो जब भी आप टू वेरिएबल्स में आप डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ फंक्शन होती है, वो क्या होता है, वो एक पूरा रीजन आप डील कर रहे होते हैं, वो सिंगल आपके पास इंटरवल नहीं होता, वो पूरा रीजन आपके पास होता है, पूरा सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, एंड सो फॉर, तो कुछ भी आगे इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप थ्री वेरिएबल में चले जाते हैं तो थ्री वेरिएबल में आपके पास जो डोमेन होनी है, थ्री वेरिएबल में जो डोमेन होनी है वो डोमेन क्या हो सकती है, वो आपके पास स्फीयर हो सकता है, वो आपके पास क्या हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, मीन्स क्यूब, कोई क्यूबॉइड, कुछ भी इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उसमें पैरेलल पिपेड हो सकती है, थ्री डायमेंशन में आप आ गए हैं, उसमें टेट्राहेड्रॉन हो सकती है, तो ये चीज़ें आपके पास इस केस में डोमेन में आ जाएंगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जैसे मैं असल में ये चीज़ बताना चाह रहा था कि ओपन रीजन की वो बात कर रहे हैं, रीजन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम टू डायमेंशन में हैं, तो उसकी जो डोमेन है वो जो चीज़ के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे वो रीजन की बात कर रहा होगा, वो इंटरवल की बात नहीं कर रहा होगा। वैसे आगे डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा, बहुत ट्रिवियल सा रिजल्ट है आप लोगों का पता है अच्छी तरह। एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन में से अगर आपको मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है कि सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने और ये इस टाइप के क्वेश्चन है भी नहीं सही के इनमें से कोई क्वेश्चन आए आप भी सही, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, डेरिवेटिव के रूल्स ही यूज़ करने हैं यहाँ पे। चेन रूल अब ऑब्वियसली देखें, मैं इसको इस तरह से याद मुझे नहीं रहता, मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ कि आपने आखिरी वेरिएबल तक उसको लेके जाना है, उस फंक्शन के अंदर जो आखिरी वेरिएबल है ना उसके मुताबिक आपने उसको लेके जाना है। अब फर्ज करें इस चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, w इज इक्वल टू एक्स वाई, और x और y आगे डिपेंड कर रहे हैं
टी पे, तो आपको अगर टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कहा गया तो आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और फिर एक्स को आगे टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। बजाय इसके कि आप रूल याद रखें, आप ये ज़रूर जहन में रखें कि आपने आखिरी वेरिएबल, आखिरी पैरामीटर जो भी उसके अंदर यूज़ किया गया है उस तक आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। इसके अंदर आखिरी पैरामीटर जो है वो टी है, तो टी तक आपने इसके डेरिवेटिव लेके जाना है। अब ये देखें कैसे इसने, अब जब डब्ल्यू का हम डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्योंकि डब्ल्यू दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स आ जाएगा। फिर आप जब एक्स पे जाते हैं, अब आपने एक्स पे जो है कंसनट्रेट करना है ना, तब आप एक्स पे जाएंगे तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर आप डी एक्स बाई डी टी कर देंगे, उसमें सिंपल जो है मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें क्योंकि एक्स जो है वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, तब आप सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सिंगल नॉर्मल डेरिवेटिव लेंगे। फिर साथ प्लस करके दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से भी आपने डेरिवेटिव लेना है, दूसरे रिस्पेक्ट से जब आप लेंगे तो फिर आपका क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा और साथ डी वाई बाई डी टी आएगा। कॉन्सेप्ट इसमें जहन में रख लें तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होगी, रट्टा लगाने से भी हो सकता है अगर आपको अपना पता है कि आप कैसे इसको तैयार याद कर सकते हैं, आप रट्टा लगा लें या वैसे कॉन्सेप्ट इसमें माइंड में रख लें कि आपने आखिरी वेरिएबल तक इसको डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंट फॉर्म्स में इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, अब ये है कि अगर डब्ल्यू आपका तीन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा हो और तीनों वेरिएबल्स आगे किसी और पर डिपेंड कर रहे हो, टी पर डिपेंड कर रहे हो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी डी जी बाई डी टी। तो ये चेन रूल थ्री वेरिएबल्स के अंदर आपको बताया गया। और थोड़ा सा मतलब आगे है कि अब आपका एफ डब्ल्यू जो है वो एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है और एक्स आगे एक्स वाई जी जो है वो आगे दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स आर एस पे डिपेंड कर रहे हैं, एच वाई भी आर एस पे डिपेंड कर रहा है और जी भी आर एस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आपका जो अल्टीमेट वेरिएबल्स हैं वो क्या है, आर और एस हैं। एक बार आपने आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और दूसरी बार आपने एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, बाकी रूल्स जो है वो उसी तरह हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है क्योंकि एक्स जो है वो आगे दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, मल्टी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अगर सिंगल वेरिएबल पे होता तो फिर हम नॉर्मल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो कहीं भी तो पूछ सकते हैं, सिंपल फार्मूलाज हैं, मैं इसको जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, वही ऊपर वाली चीज़ है, मैं इसको नहीं अब बोल रहा। अगेन पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू एफ पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स आगे जो है वो आर और एस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक बार आप आर के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार एक्स एस के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव पता चल गए आप नॉर्मल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, मींस अगर आपको स्लोप का आ गया कर्व का तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करते हैं फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव, फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इनका नेगेटिव लेंगे तो ये किस की इक्वल आएगा, फुल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समटाइम बहुत यूजफुल होता है जब आपने टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना, ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आ रहा होता है उसका स्लोप हमें मिल रहा होता है, तो समटाइम ये बेस्ट वे होता है जब आपका फंक्शन जो इम्प्लिसिट है, ये एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, आपको फंक्शन जो इम्प्लिसिट दिया गया है, अब इसमें आप y को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको पता है कि इसमें आप y को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आप इसमें फिर क्या करते हैं, आप करें दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों के करें पार्शियल डेरिवेटिव्स x के रिस्पेक्ट से और y के रिस्पेक्ट से, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास dy वाई बाई डी एक्स की इक्वल आ गया। क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूलाज माइंड में रखें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली आपका ग्रेडियंट वेक्टर, आप वेक्टर एनालिसिस में भी डिस्कस करके आए, डेल एफ होता है, ठीक है, उसके साथ यूनिट वेक्टर जब आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मींस आप डेरिवेटिव किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फाइंड कर रहे होते हैं कि इस डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बेसिकली अगर आप टू डायमेंशन में इसको लेके आए तो आप अगर थोड़ा सा माइंड में रखें, एक सम हाउ प्रोजेक्शन वाली बात बन रही है, प्रोजेक्शन वेक्टर, आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी आप जैसे फाइंड करते थे, सम हाउ वो चीज़ बन जाती है, आप ये कह सकते हैं कि सम हाउ वो आपकी कंसेप्ट में उस साइड पर लेके जा रहा है। आप डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यू के साथ, एक यूनिट वेक्टर यू के साथ, इसकी डेफिनेशन माइंड में रख लें,
आप यूनिट वेक्टर यू आपको गिवन है और आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एस यू वन प्लस एफ एस एस देखे ना, एस उसने थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए यूज़ किया, आप पहले एच यूज़ करते हैं, एच ही यूज़ करते रहें, उसमें कोई मसला नहीं है, एच ही यूज़ करते रहें। तो एक्स नॉट प्लस एस यू वन एच यू वन प्लस कॉमा वाई नॉट प्लस एच यू टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एस एस अप्रोचिंग ज़ीरो। तो ये आपकी जो है पार्शल डेरिवेटिव ग्रेडियंट जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है सॉरी वो आपके पास आ जाएगा। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला इसका यहाँ पे आके लिखा हुआ है, वो याद रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये तो पहले आपको पता है कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, डेल एफ पार्शल एफ पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल एफ पार्शल वाई जी आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर है, वेक्टर एनालिसिस आपको लोग करके आए बैठे हैं। इसके बाद ये आ गया डेल डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका क्या है, डेल एफ किसी पॉइंट पे आप उसको फाइंड करें डॉट प्रोडक्ट विद ले लें यूनिट वेक्टर यू। मैं जगह पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मेरे से मिस्टेक होगी पढ़ाते हुए कि यू का जो यूनिट वेक्टर यू जो गिवन है उसका आपने पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सम टाइम ये होता है कि आपको वो जस्ट वेक्टर बता देता है और आप वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो आपका आंसर थोड़ा सा गलत आ जाता है। तो मैं उनको यही पढ़ा रहा था, दो लेक्चर के बाद मुझे जाके वो समझ लगे कि इसमें जो है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आप ये माइंड में रखें कि जो साथ यू आना है, फर्ज करें वो क्वेश्चन में यू लिखा हुआ है तो पहले चेक करें कि क्या वो यूनिट वेक्टर है या नहीं, पहले उसको चेक कर लें। जैसे वी वेक्टर के माना है तो आपने वी के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना, पहले वी का यूनिट वेक्टर फाइंड करें और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लें विद डेल एफ डॉट यू, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट में देखें आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। हाँ जी मैथ्स के स्टूडेंट्स एफ एस सी भी आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस की है उधर से भी सेवन चैप्टर वेक्टर सेकंड ईयर का है, तो बताएं डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। जब पैरेलल होते हैं दो वेक्टर पैरेलल में भी दो कंडीशन आ जाती है हमारे मैथ वालों के अंदर, फिजिक्स वाले तो पैरेलल और एंटी पैरेलल कहते हैं ना, लेकिन हम पैरेलल में आगे दो चीज़ें कहते हैं सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज़ क्लियर करें कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। जी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अमारा सुमेरा राहिया बुशरा हफ्सा रोहिणी बताया है जब दो फैक्टर्स पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन। रोहिन अक्सर जीनत महवेश रोहिन कल नहीं आ पाई थी सर वो फैमिली में डेथ हो गई थी। अच्छा जी देखें सेम डायरेक्शन में अगर आपके पास होंगे तो आपका क्या होगा, इसके मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा तो फिर क्या होगा नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी मींस मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। और अगर दोनों ऑर्थोगोनल होंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री होने की वजह से वो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। यही आगे ये देखें पूरा पैराग्राफ इसने बनाया हुआ है, इसको पढ़ लें मैंने आपको वर्बली बता दिया इसके एक बार पढ़ लें आप। द फंक्शन एफ इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का एमसीक्यू बनाया जा सकता है। फंक्शन एफ इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन मीन्स कॉस थीटा वन मतलब क्या है, दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में जब हों तो फिर जो फंक्शन है वो रैपिडली इंक्रीज करता है। सेकेंड पार्ट है एफ डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंगल पाई हो 180 डिग्री हो। और अर्थ जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर ज़ीरो चेंज होता है। कब ज़ीरो चेंज होता है, जब एंगल जो है दोनों के दरमियान 90 डिग्री हो। पढ़ें इसको और फिर मैं आगे चलता हूँ, ये तीनों एमसीक्यूज़ हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि आपको ये स्टेटमेंट दे दी गई है और आपको आगे का नहीं पता कि आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब ये आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको मेरे नहीं ख्याल के फ़ौरन से आइडिया होगा कि आपने किसको टिक करना है। तो इसलिए गौर से पढ़ें जहन में बैठाएं इन चीज़ों को तीनों पार्ट्स को। कर लिए जी
आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो। बोल लें। अच्छा, जिनका प्रॉब्लम आ रहा हो ना, वो एक कोशिश और किया करें, आप लोग एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन किया करें, इस तरह इशू नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, ये इसने पूछा है कि किस डायरेक्शन में इसका, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन है और ये इस पॉइंट पे कब रैपिडली इंक्रीज करेगा, कब रैपिडली डिक्रीज करेगा और कब जो है वो इसकी डायरेक्शन ज़ीरो होगी। अगर आपके पास फंक्शन ये गिवन है, आप इसका क्या करते हैं, डेल एफ फाइंड करते हैं वन वन पे, उस डायरेक्शन में, उसकी सेम डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो आपने उसी डायरेक्शन में क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर बना लिया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। ये देखें, एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। तो आपने क्या करना है, डेल एफ फाइंड करना है। तो डेल एफ ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे हो गया। अच्छा, तो उधर फैजाबाद लेके जाएंगे, कहाँ पे है वे? ठीक है ठीक है, पानी पियो और थोड़ा ठंडा हो। हाँ जी, अच्छा जी, ये पार्शियल डेरिवेटिव, इसका ग्रेडियंट आ गया। अब आपने ग्रेडियंट किस पॉइंट पे फाइंड करना है, आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है वन वन पे। तो वन वन पे अगर आप इसके ग्रेडियंट चेक करते हैं, आपके पास आ जाता है आई जे। अब इसी के डायरेक्शन में जो वेक्टर, यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसको मैस रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो आपने यही जो वेक्टर आपको गिवन है, यू जो वेक्टर आपके पास आ चुका है, इसी की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर बना लें, तो यू डिवाइडेड बाई यू मैग्नीट्यूड। तो आपके पास ये आ जाएगा आई बाई स्क्वेयर रूट टू प्लस जे बाई स्क्वेयर रूट टू। तो ये जो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में ये एफ जो है रैपिडली इंक्रीज करेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रैपिडली डिक्रीज करेगा। नेगेटिव कर लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में रैपिडली डिक्रीज करेगा ये फंक्शन। और इन दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इन दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स आएंगे, इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स, अगर मैं इस वेक्टर को ए का नाम देता हूँ और ये वेक्टर जो है ये आपके पास अगर बी हो, तो अगर ए और बी दो वेक्टर्स आपको पता हो तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, एक नॉर्मल वेक्टर आता है ए क्रॉस बी और दूसरा नॉर्मल वेक्टर कौन सा होता है, बी क्रॉस ए। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ज़ीरो होगा ये फंक्शन, और इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, ये फंक्शन ज़ीरो होगा। आगे एग्जांपल में ये चीज़ें सॉल्व करके दी गई हैं। ये पॉइंट देख लें, एमसीक्यू बन सकता है, एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ अ डिफरेंशियबल फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उसकी डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होता है, ग्रेडियंट जो होता है वो कर्व के नॉर्मल होता है। ये देख सकते हैं, इसने फिगर में बताया हुआ है, फिगर भी देख सकते हैं आप लोग, आपके पास एक कर्व पड़ी है प्लेन के ऊपर, फर्श के ऊपर, अभी समझ सकते हैं कि आपके पास फर्श के ऊपर एक कर्व पड़ी है, उसकी जो ग्रेडियंट है वो उस पॉइंट पे क्या देता है, नॉर्मल वेक्टर देता है। मींस वो आउटवर्ड द प्लेन एक लाइन होती है आपके पास, कि ज़मीन के ऊपर आपके पास एक कर्व पड़ी है तो जो टावर उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर आप लगा देते हैं, वो नॉर्मल वेक्टर होगा उस कर्व के उस पॉइंट के ऊपर। किसी एलिप्स के, एलिप्स का इसने क्वेश्चन बताया कि इसके लिए आप टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करते हैं वो पार्शियल आप डेल एफ फाइंड करते हैं, उससे आपको जो है वो ग्रेडियंट मिल जाता है। मींस अब देखें ना, मैं ये, आप भी ये भी जहन में बिठा लें, ग्रेडियंट जो है स्लोप को ही कहते हैं, ग्रेडियंट स्लोप को ही कहते हैं, क्योंकि मैं ओ लेवल्स में पढ़ाया है, तो वहाँ पे जब मैं टू डायमेंशन में लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा रहा था, तो वो एम को स्लोप नहीं कहते, वो एम को ग्रेडियंट कह रहे होते हैं, एम को ग्रेडियंट कह रहे होते हैं, स्लोप नहीं कह, हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, वो उसको ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहे होते हैं। तो ये ग्रेडियंट स्लोप ही है, लेकिन ये थ्री डायमेंशन में फिर चला जाता है। ये रूल्स हैं,
आपने डेल कैसे फाइंड करने हैं। होप सो आप लोगों ने ये वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं तो पढ़ा था इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। वैसे वही रूल्स हैं, प्लस के लिए, माइनस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, आगे डिवीजन के लिए क्वेश्चन रूल होता है। जी सर ये पढ़ा हुआ है। सही है। अच्छा जी, इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, आ सकते हैं। टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या है? टेंजेंट प्लेन कौन सा होगा? कर्व के जो ऊपर नॉर्मल है, किसी भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? हम प्लेन की इक्वेशन कल किसी चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, अगर आपके पास ये प्लेन है, मैं प्लेन नॉर्मली एक प्लेट को ही कंसिडर करता हूँ, कि आपके पास प्लेन है एक, इसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है, दूसरी की क्या चीज़ चाहिए होती है? जी इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या, चले मैं वाई जी नॉट भी कह देता हूँ, एक पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा क्या चीज़ चाहिए होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए? इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे आप लोग। जी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? एक पॉइंट होता है और दूसरी क्या चीज़ होती है? हेलो हमारा लाइन, वो कौन सी लाइन होती है रोहिन? स्पेसिफिक टाइप की लाइन होती है। हमारा बुशरा, हफ्सा, जरेश, वो स्पेसिफिक टाइप की लाइन होती है रोहिन, उसको स्पेसिफिक टाइप की लाइन कहते हैं। वो कौन सी लाइन होती है उसके? नो पैरेलल नहीं होती, परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होती है। मुझे ज़रा जवाब तो दे, मौजूद है सही या नहीं हमारा? चले बुशरा लीड कर रही। जी सर ये कल हमने पढ़ा है, जी की बच्ची रिवाइज। इसके बाद मेवेश, सुमेरा, ताहिया, ये मौजूदगी का एहसास दिला दें कि आप लोग मौजूद हैं, इस तरह ही बोल दें। मेवेश, बुशरा, तो ये कल आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया? राया आपने तो अटेंड किया था सर। आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक उसके ऊपर पॉइंट चाहिए होता है और एक उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, मीन्स उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो वो जैसे मैं पहले बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास फर्श जो है, अगर आप इसको एक फर अपना फ्लोर कंसिडर कर लें जिस पर आप बैठे हैं, तो नॉर्मल वेक्टर फिर कौन सा होगा? उसके ऊपर कोई भी आप एक ऐसे टावर सा खड़ा कर लें तो वो जो होगा वो उसका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो वो नॉर्मल वेक्टर आपको चाहिए होता है और इस फर्श के ऊपर जो आपका प्लेन है उसके ऊपर आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। कैसे फाइंड करते हैं? अगर ये नॉर्मल वेक्टर जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो आप कैसे फाइंड करते हैं? ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस, अब तो बोल दें ये तो आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट। ठीक है जी, ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने का, ये आपके पास वो नॉर्मल वेक्टर होता है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और जो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट है ये उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट होता है। अब ज़रा आ जाए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मतलब वो वाली आपने प्लेन फाइंड करना है जो टेंजेंट को कंटेन कर रहा हो, जेन में रखें वो वाला प्लेन जो टेंजेंट को कंटेन कर रहा हो। तो अगर आपके पास ये कर्व है, ये ज़रा देखें ये कर्व है, ये आपका टेंजेंट जा रहा है,
इस टेंजेंट को जो प्लेन कंटेन कर रहे हैं हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इस टेंजेंट को प्लेन कंटेन कर रहे हैं, फर्ज करें मैं ऐसे यार फर्जी सा यहाँ बना देता हूँ, ये प्लेन जो है इस टेंजेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट आपको ये पता है, फर्ज करें एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होना चाहिए ना, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर एक चाहिए आपको, तो ये तो टेंजेंट जो वेक्टर है ये तो पैरेलल है, इसी प्लेन के ऊपर लाइक कर रहा है, हमें ये तो नहीं, ये तो टेंजेंट वेक्टर इसी प्लेन के ऊपर मौजूद है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा वैक्टर चाहिए जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको याद हो जो नॉर्मल वैक्टर होता है, नॉर्मल वैक्टर होता है कर्व का नॉर्मल वैक्टर, वो क्या होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट वैक्टर के परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो प्लेन के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो डेल एफ हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल एफ जो हमारे पास आता है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ये वाला जो वेक्टर होता है ये कौन सा वेक्टर होता है, ये कर्व के भी नॉर्मल होता है और उस प्लेन के भी नॉर्मल होता है। तो आप फिर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाती है, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट, और आगे क्या आ जाता है एफ जेड इंटू जेड माइनस जेड नॉट, टेंजेंट प्लेन की ये इक्वेशन आ जाती है। और टेंजेंट जो नॉर्मल लाइन है, अब देखें नॉर्मल लाइन और टेंजेंट को उसने इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि जो नॉर्मल आपके पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आता है बेसिकली वो एफ एफ एक्स एफ वाई और एफ जी जो मैं उधर यूज कर चुका हूँ, और फिर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या आती है एक्स प्लस एफ एक्स इंटू टी, आपको याद होगा आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी, टी पैरामीटर, v क्या होता था पैरेलल वेक्टर, नॉर्मल के जो पैरेलल वेक्टर है, और x नॉट क्या होता है उस नॉर्मल के ऊपर पॉइंट लाइक आ रहा होता है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाइक आ रहा होता है, y कोऑर्डिनेट इसी तरह से, z कोऑर्डिनेट इसी तरह से। टेंजेंट प्लेन टू अ सरफेस, अगर आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसमें आपने कैसे फाइंड करना है टू कोऑर्डिनेट्स में, तो आपने क्योंकि टू कोऑर्डिनेट्स में जब आपके पास आएगा एफ जेड जो डेरिवेटिव एफ जेड जो है वो वन आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई यहाँ पे पुट कर लेंगे तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। एग्जाम्पल आप लोग इसमें देख लीजिएगा कैसे, अब ये ही चले शॉर्ट सी एग्जाम्पल है, इसी को देख लें, आपके पास गिवन है सरफेस z इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई माइनस वाई ई पावर एक्स, आपने जीरो जीरो पे इसका टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है जीरो जीरो पे, तो देखिए क्या करता है ये जस्ट एफ एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव उसको जीरो जीरो पे चेक करता है जो कि वन आ जाता है, फिर वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर वही फार्मूला वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वन इंटू वाई माइनस वाई नॉट माइनस जी इंटू जी माइनस जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये आ जाती है। लीनियराइजेशन, लीनियराइजेशन का सिंपल से ये फार्मूला बस माइंड में रख लें, क्या फार्मूला है एल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट, लीनियर किसी भी फंक्शन को लीनियराइजेशन में मीन्स उसको लीनियर फंक्शन की फॉर्म में अगर लिखना हो तो इस फॉर्म में लिखते हैं। टोटल डिफरेंशियल अगर आपने टू डायमेंशन टू वेरिएबल में चेक करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंशियल ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, फार्मूला माइंड में रख लें। बाकी इसके क्वेश्चन इतने खास देखने की जरूरत नहीं, हमने वन डायमेंशन में भी पार्शियल टोटल डिफरेंशियल को नहीं डिस्कस किया, इतना खास देखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज एंड सैडल पॉइंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज आपको पहले वन डायमेंशन में बता चुका हूँ, मतलब जहाँ पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम आ रहा हो या मिनिमम आ रहा हो स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर, लोकल मैक्सिमम क्या होगा एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, अगर आपके ओपन डिस्क उसने कहा है, अगर स्पेसिफिक ओपन डिस्क के अंदर f ऑफ ए बी जो है वो बाकी तमाम f ऑफ एक्स वाई से ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमम है, और एक स्पेसिफिक ओपन डिस्क के अंदर अगर आपका जो एफ ऑफ ए बी है वो लेस आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है वो लोकल मिनिमम है।
डेफिनेशन ज़रूर माइंड में रख रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर आपका कोई लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है तो उस पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों जीरो होते हैं। तो आप इसमें क्या मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, आप फर्स्ट डेरिवेटिव जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनको जीरो पुट करते हैं। और अब ये देखें, ये टू डायमेंशन में मैं ड्रा नहीं कर सकता, मैं आपको जस्ट ये फिगर दिखा रहा हूँ कि टू डायमेंशन में अगर आपके पास ये जी ऑफ एक्स वाई ये वाली कर्व है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स वाई एक कर्व है आपके पास, ये इस तरह करके आप ये समझ लें छतरी टाइप जो बनी हुई है, ये कर्व है, इसके ऊपर उसने दो टेंजेंट्स बताए, दो इसके मैक्सिमम बताए हुए हैं। ये देखें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये टेंजेंट लाइन इस तरफ आ रही है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये टेंजेंट लाइन इस तरफ आ रही है। तो वो उस पॉइंट के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो जी एक्सिस के पैरेलल समाव आप कह सकते हैं कि वो हो जाते हैं, जी एक्सिस के समाव पैरेलल हो जाते हैं, दैट्स वाई वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जैसे वन डायमेंशन में हमने देखा था, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पार्शियल फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है, जी जी जीरो हो जाए या एग्जिस्ट ही ना करे तो हम उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। सैडल पॉइंट का मतलब क्या है कि सैडल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो है वो उसका वो पहले बेसिकली तो होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है, सैडल पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, बट क्रिटिकल पॉइंट जरूरी नहीं है कि सैडल पॉइंट हो। एम सी क्यू सैडल पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट जरूरी नहीं है कि सैडल पॉइंट हो। सैडल पॉइंट की स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि हर ओपन डिस्क के अंदर अगर उसके उसके उससे पहले फंक्शन जो है वो क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, और उसके बाद क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो उसके क्लोज ओपन डिस्क के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, उसका पॉइंट वो सैडल पॉइंट है। सॉरी अल्लाह अकबर, ये टेस्ट इसने बताया। मैं इस टेस्ट को इस तरह से, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इसको देखते हैं, जो रियल एनालिसिस में जाके हम इसको याद रखने के लिए जो मुझे याद है वो इस तरह से है कि आप एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको जीरो पुट करते हैं, आपको एक्स वाई मिल जाता है, कोई एक्स नॉट वाई नॉट मिल जाता है। अब आप क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें आप क्या करते हैं, आप एफ ऑफ एक्स एक्स जहरी बात है, जैसे आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं सब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, इसको आप चेक करते हैं कि लेस देन जीरो है, साथ क्या चेक करते हैं, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, ये लेस देन जीरो हो तो आपके पास ये क्या होता है, लोकल मैक्सिमम होता है। सेकंड क्या होता है, एफ एक्स एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो और ये एज इट इज हो तो ये क्या होता है, लोकल मिनिमम होता है। थर्ड क्या होता है, एफ एक्स एक्स के बारे में कुछ नहीं है, अगर एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, सैडल पॉइंट आई थिंक सो होता है, मैं फिर भी आपको वहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। और फोर्थ होता है कि अगर ये जो टर्म है एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई ये ज़ीरो हो जाए तो जिसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये इनकंक्लूसिव हो जाता है आपका जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, आप देख सकते हैं इनको। मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, जो मुझे याद जिस तरह मैंने याद किया मैंने उस तरह करके लिखा है, आप लोग इसको अपने तरीके से याद कर लें जैसे आपको याद है, कोई इशू नहीं है। अगर ये टेस्ट इनकंक्लूसिव हो जाए तो फिर हम किधर जाते हैं, कोई आइडिया है, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो फिर क्या करते हैं, ये उसने थोड़ी सी समरी दी हुई है, कोई नहीं समझ में आ रही क्या करते हैं अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो,
ये तो बता दें कि नहीं आता। सर नहीं आता। बाकी लोग नहीं आता। हमारा महवेश सुमेरा हमजा नहीं आता। फिर हम जाते हैं इस चीज की तरफ। जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाते हैं तो फिर हम इस चीज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, इसको मैं नहीं करा रहा ये, क्योंकि इस तरह का एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन टाइप नहीं बन सकते। इसमें आप मेथडोलॉजी जो है उसकी जरूर देख लें। मेथडोलॉजी हम क्या करते हैं, हम लैम्डा एक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लैम्डा इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम उसमें डेल एफ प्लस लैम्डा टाइम्स वो दूसरा फंक्शन हम कर देते हैं और उसमें इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पहले हम से वहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दूंगा जब रियल एनालिसिस कर रहे होंगे। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन तो मुश्किल है या एमसीक्यू टाइप तो मुश्किल है, लेकिन मेथडोलॉजी आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। ये मेथड इसने थोड़ा सा बताया हुआ है। इसके बाद मैं 15 चैप्टर पे आता हूँ। एक मिनट ज़रा, एस एम यूसुफ में एक टॉपिक रह गया था आई थिंक। अक्सा भी मौजूद है, अक्सा ने मुझे रिमाइंड करवाया था सिंगुलर पॉइंट्स और वो चैप्टर नंबर कौन सा था अक्सा, अगर मुझे आप याद करवा दें चैप्टर कौन से चैप्टर में वो टॉपिक था हमारा, अगर आपको याद हो। या और जनरल ए सी पी चैप्टर यू 7 या 8 है दोनों में से, मैं देख के बताती हूँ। हमारा इतनी देर में मैं भी देख सकता हूँ। इससे पीछे था, स्किप किया था मैंने और बाद में अच्छा नहीं याद करवाया कि वो उसमें से देखना है। वो पार्शियल डेरिवेटिव उसमें यूज़ होने थे, इसलिए मैं इधर से पार्शियल डेरिवेटिव करवाने के बाद अब उस पर आपको ले जा रहा हूँ। एक टॉपिक है छोटा सा ये सिंगुलर पॉइंट कस्प नोड। अगर आपने फिगर से देखना है तो फिगर में आप ये देख सकते हैं, ये तीन चीज़ें आपको बताई गई हैं ये फिगर में। जहाँ पे कर्व अपने आप को कट करती है उसको नोड कहते हैं। जब इस तरह करके आपके पास एक टर्न सा आ रहा होता है कर्व के अंदर, उसको हम कस्प कहते हैं। इस तरह करके जब टर्न आ रहा होता है, और सिंगुलर पॉइंट आपका, एक मिनट, तीन टाइप्स हैं इसकी। एक कस्प होता है, एक नोड होता है, और थर्ड जो है वो इसका है। यहाँ पे फार्मूला इसका जनरल बता दिया गया, बस फार्मूला ही उसका ध्यान में रख लें। आइसोलेटेड पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट्स के आगे कंडीशंस हैं, ये फार्मूला इसका सिंपल से बता दिया गया। आप पहले क्या करते हैं, मेथड इसमें क्या है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को आप 0 पुट करते हैं और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव समहाउ आप कह सकते हैं कि आपकी ये जो रिलेट कर रहा है ये रिलेट उसी की तरफ कर रहा है जो अभी हमने मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ बात की है। समहाउ उसकी तरफ रिलेट कर रहा है, लेकिन उसने नाम यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं। ये जो है ये नोड कहलाएगा अगर f(x)² f(x)y²- f(x)fyy) ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये 0 हो तो वो कस्प कहलाएगा, अगर लेस देन 0 हो तो वो क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। इसी इसी के साथ ही मैं रिलेट कर देता हूँ। वो अब इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहा, इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहा। वो कहता है जी पहले आप एफ एक्स और एफ वाई को 0 पुट करें और फिर ये एक टर्म बनाएं। टर्म क्या है, एफ एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एफ एक्स एक्स वाई वाई। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपका वो कहलाएगा नोड, जो पॉइंट एक्स वाई यहाँ से आ चुका होगा ना, एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ से आपको मिल चुका होगा ना जब आप इसको 0 पुट करेंगे। अगर इसका आंसर आता है 0 तो वो आपका कहलाता है कस्प। कस्प के ऊपर मैंने आपको फिगर से बता दिया है, कस्प इस टाइप के।
इस टाइप की जो कर्म में किसी भी कर्म में जो इस तरह का टर्न आ रहा होता है। और नोड क्या होता है, नोड आपके पास ये जो इस तरह का कर्म इस तरह का आपको कट कर रही होती है। थर्ड क्या है कि अगर ये लेस देन जीरो आ जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, वो आइसोलेटेड पॉइंट। अक्सर अगर मौजूद है, मैंने इस थ्योरी को पढ़ा है, मुझे इसमें कोई इससे ज़्यादा कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि एमसीक्यूज के हवाले से पूछी जाए। ये देखें ना 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस डिटरमिन द नेचर ऑफ द सिंगुलर पॉइंट 0.0 0.0 0.0 जो सिंगुलर पॉइंट है उसने खुद बता दिया कि 0.0 सिंगुलर पॉइंट है। आपने जो जस्ट उसकी नेचर बतानी है, वो क्या नेचर है, मतलब वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है, जस्ट आपने इस तक उसका बताना है। ठीक है जी, अक्सर के शायद आवाज़ का मसला है, उसने बताया था मुझे लेट आएगी। सो आगे चलते हैं 15 चैप्टर मल्टीपल इंटीग्रल्स। इसमें मैंने एक दो चीज़ें आपको बस मेन बतानी है कि आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करना है, इंटीग्रल इवेल्यूएट कैसे करना है, वो तो आप लोगों को पता है। मैंने जस्ट ये यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको बताना है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करनी है आपने। अच्छा जी, इसमें जब आप फंक्शन का इंटीग्रल ले रहे होंगे तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम आता है। फंक्शन का जब आप इंटीग्रल ले रहे होंगे डबल इंटीग्रल, तो वो वॉल्यूम आता है उस सरफेस का। इसमें जब सरफेस किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे तो वो वॉल्यूम आएगा। ये दो मेथड्स हैं कि आप एक में डी वाई पहले ले सकते हैं, दूसरे में डी एक्स पहले कंसिडर कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट्स फाइंड करके बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2, इधर देखें आपको एफ ऑफ एक्स वाई जो है, जो जी गिवन है आपको, वो है 3 - x - y। अब जरा क्वेश्चन की लिमिट्स को देखें, लिमिट्स किस तरह से बताई गई हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हुज बेस इज ट्रायंगल इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 हुज टॉप इज द प्लेन। आपके पास जो ट्रायंगुलर रीजन है वो कौन सा है, एक उसको एक जो है उसको एक्स एक्सिस से आप बाउंड कर रहे हैं, इधर गौर करें एक साइड से वो कहाँ से बाउंड हो रहा है, एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है, फिर कहाँ से बाउंड हो रहा है, लाइन वाइज इक्वल टू एक्स से बाउंड हो रहा है, ये जो ओरिजिन से लाइन पास कर रही है वाइज इक्वल टू एक्स, इससे बाउंड कर रहे हैं आप उसको। और थर्ड किस से आप बाउंड कर रहे हैं उसको, थर्ड आप उसको बाउंड कर रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 से, एक्स इज इक्वल टू 1 आप सपोज करें, ये 1 है एक्स इक्वल टू, तो ये आप इस लाइन से आप इसको बाउंड कर रहे हैं, तो आपका रीजन ये वाली ट्रायंगल बन रही है। आप इस रीजन के अंदर इंटीग्रेट करना है, ये ट्रायंगल आपके पास बन रही है। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 1 है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, और इस लाइन की इक्वेशन आपने y इज इक्वल टू x लिखी हुई है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना होता है, आपने डबल इंटीग्रल के अंदर खुद से डिसाइड करना होता है कि आप पहले किसको कंसीडर करना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली तो डी ए लिखा होता है, बट डी ए में आपके पास दो केसेस आते हैं, एक डी वाई डी एक्स आता है और दूसरा क्या आता है, डी एक्स डी वाई आता है। जब आप इन साइड डी एक्स डी वाई ले रहे हैं तो आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्या होती हैं, एक्स होती हैं, ये वाली फंक्शन ऑफ एक्स होती हैं, और ये वाली जो लिमिट्स होती हैं ये क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट्स होती हैं। ये होती है वाई एक्स की इक्वल है, बट ये कॉन्स्टेंट्स होती हैं। जब आप इसके रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं तो आपके जो इंटरनल इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो इन टर्म्स ऑफ वाई होती हैं, यहाँ पे भी ये इन टर्म्स ऑफ वाई होती हैं, और ये जो लिमिट्स होती हैं बाहर वाली ये आपकी क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट्स होती हैं। अब ज़रा देखें, जब आपने डी वाई डी एक्स कंसिडर करना है, इसका मतलब आपने क्या करना है, वाई के अलॉन्ग पहले चेक करना है, तो आप ये करते हैं कि इस रीजन के अंदर वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप इंटर होंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब आप इंटर होते हैं तो आप इस रीजन रीजन को माइंड में रखें, रीजन आपकी ट्रायंगल है, जब आप यहाँ पे इंटर होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग लाइन कौन सी है, कहाँ से किस दीवार से आप इंटर हो रहे हैं, उस दीवार की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 0।
उस दीवार की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो। जब आप इस रीजन को ऐसे वर्टिकली आउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, जहाँ से निकल रहे हैं उस दीवार की इक्वेशन क्या है, उस दीवार की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अब इस फॉर्म में अगर आप इंटीग्रल लिखना चाहें, आपका इंटरनल जो है वो क्या आएगा, डी वाई आएगा। तो वाई की लिमिट्स फिर आपकी क्या आ जाती हैं, ज़ीरो से एक्स तक। आपके जो आउट होने की जगह है वहाँ से आपका जो इक्वेशन है वो एक्स है, वाई इज इक्वल टू एक्स है, और जहाँ से आप इन हो रहे हैं वहाँ से आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, वो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। एक को आपने वेरिएबल की शक्ल में लिखना होता है, मैंने कहा है कि दूसरा जो है वो कहाँ होता है, कॉन्स्टेंट की शक्ल में। अब एक्स की वैल्यूज़ देखें, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपका रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स आपका है ज़ीरो, और यहाँ पे जाके एक्स क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो से वन तक। दूसरी लिमिट मैंने आपको बताया है कि आपने कांस्टेंट कंसीडर करनी होती है। अब आप ये आपका क्या था, अलोंग वाई एक्सिस आप चले। दूसरा आपने देखना है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका, अलॉन्ग एक्स एक्सिस सॉरी इसका क्या होगा। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे इंटर होना है हॉरिजॉन्टली, आपने इस रीजन के अंदर इंटर होना है हॉरिजॉन्टली। जब आप इसके अंदर इंटर हो रहे हैं तो आप कहाँ से, कौन सी दीवार से, आप कौन सी लाइन से आप इंटर हो रहे हैं, उस लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखें आप क्योंकि डी एक्स पहले लिख रहे हैं, डी वाई बाद में लिख रहे हैं, तो आपकी ये लिमिट्स जो है वो क्या होनी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू होनी चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की आपकी लोअर लिमिट आ गई। जब आप रीजन से बाहर जा रहे हैं तो आपकी आगे इक्वेशन किसकी पड़ी है, एक्स इज इक्वल टू क्या पड़ा है, वन पड़ा है। तो अपर लिमिट आपकी वन आ जाएगी। अब वाई के अलॉन्ग अब देखें, यहाँ से ये आपका पोर्शन ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका वाई इज इक्वल टू वन वाली लाइन है। तो आपकी लिमिट वाई की जो है वो ज़ीरो टू वन हो जाएगी, ज़ीरो टू वन वाई की लिमिट्स, और एक्स की लिमिट्स जो है वो वाई टू वन हो जाएंगी। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन से पहले ये देखना कि मौजूद हैं सारे इधर। हमारा देखें, आपने अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब ट्रेवल करना है ना, तो आप रीजन में देखें, जो रीजन आपका ट्रायंगल पड़ी है उसमें आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली इंटर होना है, आपने लेफ्ट टू राइट ही इंटर होना है, और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंटर होना है तो डाउन से अपवर्ड ही इंटर होना है। तो लेफ़्ट टू राइट जब आप इंटर होते हैं तो आपकी लाइन जो पहली जहाँ से आप रीजन के अंदर इंटर हो रहे हैं वो लाइन क्या है, वो लाइन है एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स आप उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आप एक्स की लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं तो एक्स की शक्ल में उसको एलिमिनेट करें। तो एक्स की शक्ल में आपके पास क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है। जब आप आउट होते हैं इससे, तो आउट होने के बाद आपकी लिमिट क्या आती है, आउट होने पर एक्स की वैल्यू है वो वन, जो लाइन है इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वन। तो आपकी लिमिट्स आ गई y से 1 तक, डी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। बाहर आपके पास है y, तो अब आपने y के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से अप लोअर से अपर तक टोटल रीजन देख लेना है। टोटल रीजन आपका y एक्सिस के अलॉन्ग टोटल कितना बन रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग आप 0 से 1 तक जा रहे हैं। ये 1 कैसे आता है, आपका देखे ना, ये लाइन जा रही है वाई इज इक्वल टू एक्स, और इधर से लाइन क्या जा रही है, एक्स इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ये x इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करें तो y भी यहाँ पे क्या आता है, y इज इक्वल टू भी वन आता है। तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि ये रीजन 0 से 1 तक है, y की लिमिट 0 से 1 तक होंगी और x की लिमिट्स जो है वो y से 1 तक होंगी। खामोशी बता रही है कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, खामोशी क्या बता रही है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं एक साइड से आप एक्स एक्सिस से बाउंड कर रहे हैं। एक साइड से आप एक्स एक्सिस से बाउंड कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, और तीसरा आप कह रहे हैं एक्स इक्वल टू वन।
उसने लिमिट्स बता दी हैं, यही लिमिट्स उसकी भी बनेंगी क्योंकि सेम आपका रीजन है यहाँ पे भी। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ कि आपने ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर देना है इंटीग्रल का। आपको एक्स वाई के एक्स वाई एक्स की शक्ल में लिमिट्स गिवन है, आपने उसको एक्स वाई की शक्ल में लिमिट्स को चेंज करना है। गिवन क्या है आपको, ये क्वेश्चन बन सकते हैं एम सी क्यूज। गिवन है आपको 0 से 2, इस पोजिशन पर आपको फिर पता चलता है कि ग्राफ्स जो है वो उनको समझना कितना ज़रूरी था। वन वेरिएबल के अंदर ग्राफ जो हैं उनको समझना कितना ज़रूरी था, इस पोजीशन पे आके समझ लगती है। अब इस चीज़ से मुझे कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है इन साइड पर, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता लिमिट्स के साथ। लिमिट्स का रोल होता है कि आपको पता होना चाहिए। अब ज़रा ये देखें, पहले तो साइड पे लिख लें आपके पास एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। एक्स है 0 टू, एक्स इज़ इक्वल टू 2। दूसरा अगर आप वाई को देखते हैं तो वाई आपका कहाँ से कहाँ तक है, y है एक्स स्क्वायर से, y इज़ इक्वल टू 2x। तो अब अगर आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं इसको, डायरेक्टली ड्रा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली बता भी सकते हैं। ज़रा देखें y वाली जो है उनको आप ड्रा करें, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या है, ये पैराबोला है, ठीक है जी। दूसरी आपको क्या गिवन है, y इज़ इक्वल टू 2x गिवन है। y इज़ इक्वल टू एक्स जो है वो आपके पास क्या होती है, यहाँ से ओरिजिन से पास 2x थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ऐसे लाइन आती है वो, इस तरह करके आती है, ओरिजिन से पास करती है, थोड़ा सा मुझसे इधर हो गया, ओरिजिन से ही पास करती है लेकिन वो थोड़ी सी अबव हो जाती है, मतलब उसका डायरेक्शन, मतलब अगर y इज़ इक्वल टू एक्स ये लाइन है तो y इज़ इक्वल टू 2x ये वाली लाइन होती है, थोड़ी सी इधर मुड़ जाती है। तीसरा आपने क्या करना है, अब x और y कहाँ से, x x कहाँ से कहाँ तक है, x आपका शुरू हो रहा है 0 से और एंड कहाँ पर हो रहा है, x 2 पे एंड हो रहा है। तो ये रीजन है आपका जिसके अंदर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट्स आपने इंटरचेंज करनी है, लिमिट्स कैसे इंटरचेंज, ये आपका अलोंग वाई एक्सिस है जो रीजन जो लिमिट्स के मन है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप इसके अंदर इंटर होते हैं इस रीजन के अंदर। अब अगर अलोंग एक्स एक्सिस देखें, अलोंग एक्स एक्सिस जब आप इंटर होंगे तो आप कहाँ से इंटर हो रहे हैं, कौन सी लाइन है ये, इसकी इक्वेशन क्या है जहाँ से आप इंटर हो रहे हैं, पहले जो बाउंड्री आती है इस रीजन की, बताएं ज़रा। नो, x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू आप फाइंड करें यहाँ से, यहाँ से x की वैल्यू क्या, x इक्वल टू y ओवर 2। हाँ जी, तो x की लिमिट स्टार्टिंग लिमिट क्या आ गई, y ओवर 2, ठीक हो गया। अब ज़रा जब आप रीजन से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आपकी ये कर्व जो है इसका इक्वेशन क्या है, x की शक्ल में आपके पास आएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट y, बट आपने माइनस y माइनस स्क्वेयर रूट y क्यों नहीं लेना, रीज़न क्या है उसकी क्यों नहीं लेना, आपने माइनस स्क्वेयर रूट वाई क्यों नहीं लेना। हाँ जी जी बिल्कुल, देखे ना आपका एक्स एक्सिस कौन सी साइड का है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे पड़ा है, अगर ये साइड होती तो फिर आप नेगेटिव स्क्वेयर रूट वाई लेते हैं, आपका ये कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड है तो आप इसकी ये लिमिट लेंगे, ठीक है। तो अब आपकी लिमिट यहाँ से क्या होगी, लोअर लिमिट होगी वाई बाई टू और अपर लिमिट क्या होगी स्क्वेयर रूट वाई। अब ज़रा y की वैल्यूज़ चेक कर लें, मैंने बताया हुआ है कि y की वैल्यूज़ जो है वो क्या आएंगी, वो कॉन्स्टेंट्स आएंगी, ठीक है जी। तो y की वैल्यू आपको पता चल रही है कि यहाँ से देखें, यहाँ से पोर्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके पोर्शन y एक्सिस के अलॉन्ग ख़त्म हो रहा है, ओवरऑल पोर्शन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब ज़रा देखें ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपके पास y इज़ इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि x एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये बेसिकली है लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो y क्या आता है, 4 आता है, इसके अंदर भी आप पुट कर सकते हैं, इसके अंदर भी x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो y क्या आता है, 4 आता है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स फिर क्या हो जाते हैं, 2, 4 हो जाते हैं। तो आपका जो अपर कोऑर्डिनेट है वाई के लिए वो 4 है, 0 से 4 तक, और दूसरी लिमिट आपके पास क्या आ गई, y बाई 2 से स्क्वायर रूट y तक। अब ज़रा मुझे ये बताएं, ये तो आपके पास आपने ग्राफिकली बताया,
अगर ग्राफ नहीं ड्रा करते, यहाँ से ये बताएं कि ये दोनों लिमिट्स कैसे डायरेक्ट आएंगी, ये लिमिट्स इन दोनों से डायरेक्ट कैसे आ सकती हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हैं। नहीं आइडिया, चले आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो लिमिट रिवर्स है नहीं और दूसरा इन टर्म्स ऑफ वाई आगे में समहाउ आप ये कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट एमसीक्यूज़ जहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने रिवर्स करनी है। ऑब्वियसली इवेल्यूएट करने के लिए तो मुश्किल ही आएगा कि मतलब इवेल्यूएट करने के लिए आए, बट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स करने के लिए ये आपके पास पोर्शन आ सकता है और आपको फ़ौरन से आइडिया होना चाहिए कि किस साइड की इक्वेशन क्या है। मैं जो 11 से 16 तक का इनमें से दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, इस टाइप का मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू टू एक्स, y इज एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू। यहाँ से आपको क्लियरली लिमिट्स तो पता चल रही हैं कि अलॉन्ग y एक्सिस आपका नीचे लाइन कौन सी आएगी, x वाली आएगी, और ऊपर लाइन कौन सी आएगी, 2x वाली लाइन आएगी, और इधर से छोटा पॉइंट क्या है, x की लिमिट 1 से 2 तक होगी। ये तो बहुत ईजिली आपको पता चल रहा है। इसी तरह स्क्वायर जो है ये वाला बन रहा है, इसके अंदर भी आपको बहुत ईजिली पता चल रहा है कि आपकी लिमिट्स। अब देखें, इस टाइप की जब लिमिट्स होती हैं ना, दोनों कॉन्स्टेंट लिमिट्स होती हैं, तो फिर आप कोई भी पोर्शन, कोई भी जो है मतलब पैटर्न ले सकते हैं, डी एक्स डी वाई ले सकते हैं और डी वाई डी एक्स, दोनों में से कोई एक कंसिडर कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट लिमिट्स हैं ना दोनों, ये भी 1 से 2 तक है और ये भी 1 से 2 तक है, दोनों स्क्वायर्स हैं, दोनों मिला के सॉरी स्क्वायर बना रहे हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब ये देखें 0 0 1, अब ज़रा देखें इसमें आपको ख़ुद से डिसाइड करना होता है कि आप किस डायरेक्शन में इसको कंसिडर कर रहे हैं। मैं जस्ट ट्रायंगल ड्रा करके वहीं से आप लोग अब मुझे बताएंगे कि इसके कैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा। ये आपका पॉइंट 0 0 है, दूसरा पॉइंट क्या आपका 1 0 है, मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ 1 0, और तीसरा पॉइंट आपका है 0 1, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ 0 1। तो मैं इसको इधर ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो आपके पास है ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है जी, ये ट्रायंगल आपके पास बन गई। अब मुझे बताएं कि जब हम वर्टिकली इसके अंदर मैं ऐसे वाई एक्सिस का लॉन्ग जा रहा हूँ तो वाई की लिमिट्स क्या बनेंगी, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको पहले इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। इस लाइन की इक्वेशन आप लोग बना सकते हैं, जल्दी से शाबाश। चले मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू एम, इसका क्या आएगा, हेलो क्लास खत्म कर दी जाए, क्या कहते हैं, हेलो जी सर, जी सर वो आपने लिख दिया ना स्लोप माइनस वन। अच्छा हंसा है मुझे जल्दी का, ऐसी है काफी आज उशरा रोहीन तमारा। जी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्या पूछ रहे थे। मैंने ये चीज़ पूछी थी कि देखें अब इसमें आप वर्टिकली जब इंटर होंगे तो वाई की लिमिट्स क्या बनेंगी, इस रीजन के अंदर जब वर्टिकली इंटर होंगे तो वाई की लिमिट्स क्या बनेंगी, 0 से 1। 0 से वो आपने निकाल लिया ना इक्वेशन वाई 0 से 1 माइनस एक्स। हाँ जी, इसकी 1 माइनस एक्स है, अबाउट हो रहे हैं, जब अबाउट हो रहे हैं जो लाइन है वो 1 माइनस एक्स है। तो अलॉन्ग ये देखें इधर से पोर्शन आपका कहाँ से कहाँ तक है, इधर से आपका पोर्शन है 0 से 1 तक, तो एक्स की लिमिट्स ये आ जाएंगी। अब जरा दूसरी साइड पे आ जाए, अब आपका है डी एक्स डी वाई, सॉरी डी एक्स डी वाई,
तब आपका पहले आपने x की शक्ल में तो हॉरिजॉन्टली आपने चलना है, हॉरिजॉन्टली पोर्शन में अगर एंटर हूँ तो क्या बनेगा? अब x की लिमिट जरा बताएं। ढीलापन आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं आ रही है कोई क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। इसमें से एक पर कंफर्म देख एमसीक्यू आता है, बट आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो फिर तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। जी कल मैं टेस्ट ले लूँ इस एक्सरसाइज का। हेलो जरेश, मेरी आवाज नहीं आ रही? राहिया जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। फिर कोई जवाब दे ना सर, सुपर टेस्ट ना ले। हमारा मैं जस्ट इसी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं आ रहा, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है ना।